कि आजकल 11.20, 11.30 जो 2015 में 17 में गोल्ड ले आते थे, आज उन टाइमिंग्स के साथ कोई 6th, 7th या 8th भी नहीं आ पाता है। तो ये सब चीज़ें करके दिल्ली ओपन एथलेटिक्स मीट में अगर आप आओगे तो आपको कोई फायदा। सो व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है सौजन्य एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकली। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ दिल्ली ओपन एथलेटिक्स लीग के बारे में। ये एक ऐसा कॉम्पिटिशन होता है गाइज, जिसमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस देश के कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन सी सिटी, कौन से स्टेट में रहते हो। आप इसमें आके पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपना टैलेंट शो कर सकते हो और सीधे नेशनल्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हो डायरेक्ट स्टेट खेल के। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो। आप में से बहुत लोग, जिन लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में गेम्स नहीं होते, हम क्या करें, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके वीडियो बहुत काम आएगा। उसके साथ साथ एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट भी मैं करूंगा इस वीडियो में, वीडियो स्किप मत करना ज़रा भी। और ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं कॉम्पिटिशन से रिलेटेड लाने वाला हूँ, इस साल बहुत सारे कॉम्पिटिशन हैं तो उनको मिस मत कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जैसे ही मैं कोई भी नोटिफिकेशन का जो है वीडियो बना के डालूँ, सबसे पहले वो आपके पास आए। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आएगा कॉम्पिटिशन से रिलेटेड, उसके ऊपर जानकारी पूरी जो है वीडियो में इस चैनल पर लाऊंगा, सब्सक्राइब करके रखना, मिस मत करना। सो एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली स्टेट एथलेटिक्स ओपन लीग ये एक ऐसा कॉम्पिटिशन है जो कि हर साल एक बार कराया जाता है। जैसे कि मैंने बताया, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो इंडिया में, किसी भी सिटी से हो, किसी भी शहर, कोई भी आपका स्टेट है, आप वेस्ट बंगाल से हो, गुजरात से हो, कश्मीर से हो, या फिर आप आंध्र प्रदेश से हो, कर्नाटका से हो, मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, यूपी से हो, आप इधर आके पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपकी डिस्ट्रिक्ट कोई भी हो, आप आगरा डिस्ट्रिक्ट के हो, नासिक कहीं के भी आप हो, आप यहाँ पर आके पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपना टैलेंट शो कर सकते हो, दिखा सकते हो कि यस आपके पास टैलेंट है और आप जो हो डिजर्विंग विनर हो। डायरेक्ट स्टेट लेवल की कॉम्पिटिशन होती है, इसके बाद नेशनल की एंट्री जाती है यहाँ से। हाउएवर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो कंपटीशन है ये खेलने के लिए आपके पास, खेलने तो क्या, इसको रजिस्टर करने के लिए भी आपके पास AFI ID का होना बहुत ज़रूरी है। इस कंपटीशन को आप, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे दिल्ली पहुँचे और वहाँ पे आपने किसी पेपर में लिख के इसका जो है फॉर्म भर दिया। इसकी सारी एंट्री ऑनलाइन होती है, दिल्ली की अपनी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाके होती है, या फिर जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है वहाँ से होती है। अप्लाई करने के लिए, फॉर्म खोलने तक के लिए आपके पास AFI ID का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास AFI ID नहीं है, इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट करें, हम आपको AFI ID बनाने में आपकी हेल्प करेंगे, छोटा सा चार्ज लेंगे और आपकी AFI ID जो आपको बना के दे देंगे, आपके मेल पर आ जाएगी 2 से 3 दिन के अंदर। बिना AFI ID के आप किसी भी कॉम्पिटिशन में अप्लाई नहीं कर सकते, ये कंपलसरी रूल हो चुका है अब इंडिया में। तो आप इसको डायरेक्ट एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हो। आप एलिजिबल सिर्फ तभी होगे जो आपके AFI ID, जैसे कि मैंने बताया। और अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो आपको दिल्ली में आके ये मीट जो है 99.9% हमेशा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ही होती है, जो कि दिल्ली में है, जंगपुरा के पास। और मोस्टली इसका कोई वेन्यू चेंज नहीं होता, ये हमेशा वहीं होती आ रही है पिछले 5-7 साल से, जब से मैं देख रहा हूँ। शायद ही कभी हुआ होगा कि इसका वेन्यू चेंज हो गया हो, तो आप लोगों को लोकेशन भी पहले से पता है। आप चाहो तो एक बार पहले ही आ सकते हो किसी महीने में, और आप आके एक बार देख सकते हो कि किस ट्रैक पे आपकी जो है कॉम्पिटिशन होगा। ये एक चीज़ है। दूसरा, ऑफकोर्स ये कॉम्पिटिशन किसी ग्राउंड पे नहीं होगा, ट्रैक पे होगा। आपके पास स्पाइक्स होना जरूरी है, बिना स्पाइक के आप जीत नहीं पाओगे, पर स्पाइक्स ज़्यादा जरूरी है, प्रॉपर ट्रेनिंग। मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, मैंने मेरा पूरा कोर्स लॉन्च कराया, आप लोगों को मैंने पास्ट वीडियो में बताया था, अलग अलग ओलंपिक चैंपियंस, वर्ल्ड के कुछ बेस्ट कोचेस के साथ पॉडकास्ट करके उनसे सीख के मैंने एक कोर्स बनाया है, और वो कोर्स सिर्फ 449 रुपीज़ का है, जिसकी पहली वीडियो मैं कल फ्री में डाल रहा हूँ। आप लोगों को खुद उस वीडियो को देख के अंदाजा हो जाएगा इसकी वो कोर्स कितना ज़्यादा आपके काम आ सकता है। जो चीज़ें मैं उसमें बताऊंगा आपने यूजुअली नहीं सुनी होंगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। वो वीडियो देख के अपने आप जो है कोर्स परचेज कर लोगे, क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं उसमें बताऊंगा। वो डाइट के ऊपर होगा वो वीडियो, और बहुत सारे आगे वीडियोस हैं पूरे कोर्स में, वर्कआउट के ऊपर, रिकवरी के ऊपर, सप्लीमेंटेशन के ऊपर। गाइस, आज की डेट में इन सब चीजों के बिना बहुत ज़्यादा हार्ड है कंपटीशन जीतना। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आजकल 11.20, 11.30 जो 2015 में 17 में गोल्ड ले आते थे, आज उन टाइमिंग्स के साथ कोई 6th, 7th या 8th भी नहीं आ पाता है। कंपटीशन इतना बढ़ गया है, 10.80, 10.90, 10.95 इस तरीके के टाइमिंग्स आते हैं स्टेट लेवल में, नेशनल में 10.4। तो अगर आपके प्रॉपर डाइट नहीं है, प्रॉपर वर्कआउट नहीं है, प्रॉपर आपको रेस्ट एंड रिकवरी के बारे में नहीं पता, प्रॉपर सप्लीमेंटेशन के बारे में नहीं पता, और बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है, तो आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा ये कंपटीशन क्रैक करना, यानी इस कंपटीशन में पोजीशन लाना। उस वीडियो को देखना आप जो मैं कल अपलोड करने वाला हूं, और आप कोर्स को जरूर परचेज करना। कोर्स को परचेज करने के लिए गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत सिंपल सा एक फॉर्म होगा, आपको उस फॉर्म को भरना है और ये जो स्कैनर है इधर पे करके 449 रुपीज सेंड कर देना है। हमारी जो टीम है आपको 10 से 15 मिनट के अंदर कॉन्टैक्ट कर लेगी।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है गाइज। आप लोग जो है लेवल अपनी तैयारी उसी लेवल की रखो जिस तरीके से सब कर रहे हैं, किसी से पीछे आपको नहीं रहना है, ये एक चीज़ है। उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इस कंपटीशन में खेलने के लिए, डॉक्यूमेंट गाइस FIIT सबसे पहले, उसके साथ बर्थ सर्टिफिकेट। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, कभी भी आपसे मांग लिया जाएगा। और अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको मोस्ट प्रोबेबली बाहर कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एज का जो है फ्रॉड होता है और लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता तो उनको बाहर कर दिया जाता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको रखना है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि पिछले साल दिल्ली ओपन एथलेटिक्स लीग में क्या हुआ था। ये हुआ था कि फाइनल्स में ये बोला गया था 100 मीटर में, मैं अंदाजा मतलब अंदाज़ा नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, आप बाकी रेसेस में भी अंदाज़ा लगा लेना। 100 मीटर में क्या हुआ था मैं आपको बता रहा हूँ, ये न्यूज़ में भी आया था, आप सर्च कर सकते हो उसको, भले ही न्यूज़ में सर्च कर सकते हो, कि सबको निकाल दिया था। 100 मीटर में फाइनल 8 बंदे पहुँचे थे, उनमें पूछा था वहाँ पर आगे ऑफिशियल ने कि तुम में से किस किस ने डोपिंग ली है, यानी इंजेक्शन लिया है, यानी कि सब्सटेंस लिया है, कुछ ड्रग लिया है, कोई स्टेरॉयड लिया है यहाँ तक आने के लिए। और उनको बोला था कि अगर लिया है तो अपने आप निकल जाओ, हम पकड़ेंगे तो बैन लगा देंगे। तो उसमें से 8 लोग में से 7 लोग अपने आप बाहर चले गए थे। तो आप खुद सोच लो कि अगर आप ये सब करके इस मीट में आओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप भले ही खेल भी लो तो आप पकड़े ज़रूर जाओगे। आखिर में जाके उस रेस में अकेला ही लड़का दौड़ा था, क्योंकि वो अकेला ही था जिसने नहीं लिया था अकॉर्डिंग टू हिम, बाकी सब ने सब्सटेंस लिया था, तो वो लोग अपने आप वहाँ से चले गए। तो ये सब चीज़ें करके दिल्ली ओपन एथलेटिक्स मीट में अगर आप आओगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है आप उस टाइम ना जाओ, आप खेल लो, आपको लगे अरे पकड़ा नहीं जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोग बहुत स्मार्ट हैं, AFI के लोग आते हैं, नाडा के लोग आते हैं, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के लोग आते हैं, आपका ब्लड लिया जाएगा, देख लिया जाएगा, उसमें सर्च कर लिया जाएगा लैब में कि इसमें कोई सब्सटेंस है या नहीं, और अगर मिल गया आप पे 2 से 3 साल का बैन है, आपकी सारी मेहनत बर्बाद। तो ऐसा कोई काम नहीं करना अगर आप इस कंपटीशन में खेलने आना चाहते हो। आप लोगों को याद रखना है कंपटीशन के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। आप लोग अपनी बॉडी को बिल्कुल क्लीन लाओगे, अपनी नेचुरल जो है डाइट और उसके लाओगे। और इसीलिए मैंने गाइस मैंने पहले भी बताया कि मैंने जो मेरा कोर्स लॉन्च करा है उसमें हमने नेचुरली बताया कि कौन कौन सी वो फूड्स हैं, कौन कौन से वो फूड आइटम्स हैं, वो खाना है जिसमें आपकी बॉडी में नेचुरली बहुत पावर आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट वो कोर्स है गाइस, ट्रस्ट मी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉर्म को भरो, स्कैनर को पे करो और सेंड करो, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। पूरा कोर्स आप अगर वो कर लेते हो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा आपको क्या खाना है, कब खाना है, रेस्ट एंड रिकवरी में क्या करना है, सप्लीमेंटेशन कौन सी लेनी है, वर्कआउट ऑफ सीजन इन सीजन का कैसे लगाना है, ये सब कुछ हमने उस कोर्स में बताया है। फ्री वीडियो में उस कोर्स की एक कल डालूंगा, वो वीडियो को देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस कोर्स में कितना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। तो गाइस उस कोर्स को आप ज़रूर से ले लो, आप किसी से पीछे क्यों ही चलोगे, जब बात होती है कॉम्पिटिशन की आपको सबसे आगे चलना है, सबसे बेस्ट आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं गाइस। इसके अलावा कोई और चीज अभी फिलहाल, मतलब कब होता है कंपटीशन, कभी कभी देखो फरवरी में हो जाता है, यानी अगले महीने हो सकता है, कभी कभी अक्टूबर के टाइम पे भी हो जाता है, कभी कभी 2 बार भी हो जाता है। ऐसा एक बार रेयर हुआ है, आई बिलीव 2021 या 22 में ऐसा हुआ है कि 2 बार भी हो गया था, पर वो बहुत रेयर केस है। आप एक बार मान के चलो, साल में एक बार तो कंफर्म है कि होगा, या तो फरवरी में होगा या अक्टूबर के टाइम पे होगा। तो जब भी होगा आप लोगों को प्रिपेयर रहना है, तैयारी करते रहनी है, कोर्स ले लो, कोर्स परचेज कर लो, आप लोगों को पता चल जाएगा ऑफ सीजन इन सीजन, यानी कि कॉम्पिटिशन से 6 महीने पहले कैसा वर्कआउट करना है, कॉम्पिटिशन से 3 महीने पहले कैसे करना है, कॉम्पिटिशन से 1 महीने पहले कैसे करना है, ये सब आप जो इस कोर्स में सीख सकते हो। किसी से पीछे क्यों ही चलना है, आज उस कोर्स को परचेज करो और अपनी तैयारी जो है शुरू कर दो, आप एक स्टेट लेवल चैंपियन बन सकते हो। आप लोग मेरे मेडल्स पीछे देख सकते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो इसके साथ मैं यही बताऊंगा, वो कंपटीशन साल में एक बार होगा ही होगा, या तो फरवरी में या अगस्त के बीच में, उसमें आप लोगों को पार्ट लेना है। FIIT कंपलसरी है, मेरी भी FIIT है, सबकी, हर एथलीट की होनी ही पड़ती है, बिना उसके आप पार्ट नहीं ले सकते। उसके साथ आपको नेचुरल रहना है, एक भी सब्सटेंस लिया वहाँ पकड़ा गया 2 से 3 साल का बैन लग जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि कॉम्पिटिशन बड़े लेवल का कॉम्पिटिशन है, यहाँ से डायरेक्ट इंटरनेशनल लेवल की क्वालिफिकेशंस मिल जाती हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन इलेक्ट्रॉनिक होता है। जिनको नहीं पता इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, मैंने उस पर एक पूरा वीडियो बनाया है, एक बार बस यूट्यूब पे सर्च कर लो इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग बाय फिजिकली सेन, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग से ही आप इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में जा सकते हो, हैंड टाइमिंग नहीं चलेगी। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस कॉम्पिटिशन की डेट्स मैं आगे लाने वाला हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नहीं तो आप कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे, आपका साल खराब हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहता। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना गाइस, एक बार फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए सी यू।